मुख्यमंत्री ने वजीर सिंह डिग्री कॉलेज को पीजी कॉलेज में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। फतेहपुर में स्थापित होगा शहीद स्मारक। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज जिला कांगड़ा के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में 43 करोड़ रुपए की लागत की 9 विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास किए। फतेहपुर स्थित वजीर राम सिंह स्टेडियम में राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने रेमे उप तहसील खोलने, उच्च पाठशाला बरोट को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने, निगोह और कुंदलखट के तटीकरण, 10 लाख रुपए की लागत से गुरु रविदास मंदिर परिसर की दीवार का निर्माण, नंगल में पटवार सकल, वजीर सिंह राजकीय महाविद्यालय देहरी फतेहपुर में MA हिंदी और MCOM की कक्षाएं आरंभ करने व इस महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने 2 करोड़ रुपए की लागत से क्षेत्र में संपर्क मार्ग व अन्य कार्यां जिनमें ग्राम पंचायत दियाना में दियाना से कुलाला संपर्क मार्ग, ग्राम पंचायत दियाना में बाबा बालकनाथ मंडी दियाना के निकट दीवार निर्माण, ग्राम पंचायत कुटवासी में रवि दास मंदिर से कपटियाल और पुखर तालाब से शमशानघाट सड़क, पंचायत चकबारी में शहीद बाबू राम के घर तक सड़क, मुख्य सड़क से निथाल गांव, घमियाल खड़ा लहर लुथियाल पाठशाला तक सड़क, तदोली से सुनार थात से जटबैली, यहत से कोहलारी, मिलहाटा से रूरी, मोच से चाता, जगनोली भाटा से बरूना भावरा, जिकली टिकवाल से मोहला तखाना बदियाली, बतराहन गांव के स्वतंत्रता सेनानी विचित्र सिंह के घर, स्कोई जोगिया से हरिजन बस्तरी, पट्टी से हरिजन बस्ती मंजोली और डिकियारा बराल से दुर्हाग रयाली तक संपर्क सड़क मार्गों के निर्माण की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार साढ़े 3 वर्षों से और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश में भी भाजपा की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चलते हैं। दोनों सरकारों के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश और देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विभिन्न विकास कार्य किए हैं और विकास कार्य के साथ साथ में जो योजनाएं शुरू की, उन योजनाओं के माध्यम से गरीब लोगों तक उसका लाभ मिले का प्रयत्न हुआ है, उसका प्रयास हुआ। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में आकर के फिर से बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत करने का लक्ष्य था। यहाँ विधानसभा क्षेत्र में मैं देख रहा था जो योजनाएं हैं जिनका हमने शिलान्यास किया और उसका हमने उद्घाटन धर्मशाला से आपका फैसला टीवी के लिए संवाददाता सन्नी महाजन की रिपोर्ट।